हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका ऑल सॉल्यूशन प्रिंटर एंड डिजाइनर में। दोस्तों आज हम बनाएंगे 3D लोगो। तो दोस्तों पहले हमने सर्कल लिया है। सर्कल लेने के बाद मैं इसमें कलर फिल करता हूँ, कोई भी आप कलर फिल कर सकते हैं अपनी मर्जी से। दोस्तों इसके बाद मैंने F11 का इस्तेमाल किया है, F11 टूल से ये आया है, मैंने इस वाले टाइप को इस्तेमाल किया है। उसके बाद मैंने आपको कॉपी पेस्ट की शॉर्टकट की बता रखी है, कंट्रोल आर से ये लगातार चलता जा रहा है। उसके बाद मैंने फिर वही ट्रिक क्लिक के साथ उठाया, राइट क्लिक के साथ छोड़ दिया, उसके बाद कंट्रोल आर कंटिन्यू, ये वो कॉपी होता जाएगा नीचे। उसके बाद दोस्तों मैं एक सर्कल और लेता हूँ। एक सर्कल और लेने के बाद मैंने इसको सर्कल बनाया कि हमेशा ध्यान रखना सर्कल एक्यूरेट तभी बनेगा जब आप कंट्रोल के साथ सर्कल बनाएंगे। सर्कल बनाने के बाद मैंने इसको क्लिक किया, वाइट कलर से मैंने फिल कर दिया। उसके बाद मैं इफ़ेक्ट में गया, इफ़ेक्ट के बाद लेंस में गया, लेंस के बाद मैंने फिश आई को क्लिक किया। उसके बाद फिर अप्लाई करने के बाद दोस्तों आपके सामने है, ये बॉल मैं इधर रख लेता हूँ। उसके बाद इसको डिलीट कर देंगे। डिलीट करने के बाद दोस्तों इसको सेलेक्ट करा, सेलेक्ट करने के बाद राइट क्लिक के साथ इसको नन कर दिया, सारी आउटलाइन गायब हो जाएंगी। उसके बाद मैंने इसे अनग्रुप कर दिया, आप कंट्रोल यू का इस्तेमाल कर सकते हैं या मैं दिखा रहा हूँ आपको उसे। उसके बाद इसमें क्लिक करोगे तो सर्कल होगा, उसको डिलीट करना है। इसके बाद मैंने इस वाले इंटरेक्टिव वाले को किया। उसके बाद आप कर्सर को ध्यान रखते रहें, जैसे जैसे कर्सर काम कर रहा है दोस्तों इसमें दो बॉक्स है, ऊपर वाले पे क्लिक करके ब्लू कलर कर लेना है। ब्लू कलर करने के बाद जब तक ये प्रोसेस हो रहा है दोस्तों आपको न कोरल में क्लिक करना है न उसको छेड़खानी करनी है, वरना ये यहाँ से बाहर हो जाएगा, बंद हो जाएगा दोस्तों। उसके बाद मैंने फिर से क्लिक किया इस वाले बॉक्स में, इधर मैं दूसरा कलर करता हूँ, वही सेम प्रोसेस ध्यान रखना है। जब तक ये प्रोसेस कर रहा है आपको इसको नहीं छेड़ना है, आपको इसको अपनी प्रोसेस पूरी होने के बाद ही, आपको इसको कंप्लीट हो जाने के बाद ही आपको दोबारा क्लिक करना है। उसके बाद आप देख सकते हैं दोस्तों 3D बॉल की तरह आपका ये लोगो तैयार हो चुका है। उसके बाद मैंने एक सर्कल और लिया है, ये बिना कंट्रोल के साथ लेना है, कलर फिल किया, लाउट लाइन को गायब किया। उसके बाद बिटमैप पे जाकर कन्वर्ट टू बिटमैप, आप अपने हिसाब से यहाँ 500, 1000, 300 आप जिस भी की उस पर करना चाहते कर सकते हैं। उसके बाद मैं दोस्तों इसको ब्लर करूँगा, बिटमैप पे गए, ब्लर का ऑप्शन है, गुशन ब्लर पे क्लिक किया, आप कम ज़्यादा जितना भी ब्लर करना चाहते हैं कर सकते हो। उसके बाद मैंने इसके नीचे इसको रख दिया शिफ्ट के साथ, अब पेज अप डाउन कर दिया। उसके बाद आप देख सकते हैं दोस्तों आपका 3D लोगो या बॉल आप इसको बोल सकते हैं तैयार है। थैंक यू दोस्तों।